हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद कॉन्सेप्ट्स की नई क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर, चैप्टर 14, प्रोबेबिलिटी। और टाइम वेस्ट किए बिना अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का अगर आप वर्ड वाइज मीनिंग देखें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है समथिंग इज लाइकली टू बी हैपन, कि कुछ होने वाला है। अब क्या होने वाला है कि अब जैसे आप एग्जांपल के तौर पर समझें कि देयर इज नो चांस ऑफ सनराइज टुडे, कि आज सूरज निकलने की कोई उम्मीद नहीं है, या फिर कहें कि देयर इज चांस ऑफ रेन टुडे, कि आज बारिश की संभावना है, कि हो सकता है कि आज बारिश होगी। कंफर्म नहीं है कि होगी होगी, हो सकता है कि आज बारिश होगी। और अगर आप कभी भी न्यूज चैनल में या कहीं पर भी स्टडी करते हैं कि वेदर रिपोर्ट, तो वेदर रिपोर्ट में क्या होता है कि वो बोलते हैं कि हो सकता है कि बारिश होगी। वेदर रिपोर्ट में क्या होता है कि वो बताते हैं कि बारिश की संभावना है। इसका क्या मतलब है कि देयर इज चांस ऑफ रेन टुडे, कि ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि आज बारिश हो सकती है। इस चैप्टर में हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी के कुछ केस आएंगे कि जैसे कॉइन। अब कॉइन चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 2 का हो, या 5 का हो, या 10 का हो, या 20 का हो, कि अगर एक कॉइन को टॉस किया गया है तो कॉइन में कौन से 2 केस आएंगे, कि या तो हेड आएगा या फिर टेल। प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में एक वर्ड आएगा कि कॉइन इज टॉस्ड रेंडमली, या फिर कहें डाई इज थ्रोन रेंडमली। तो इस रेंडम या रेंडमली का क्या मतलब है, कि इसका मतलब है कि अगर कॉइन को रैंडमली टॉस किया गया है तो कॉइन फ्री है, कि या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। और डाई को अगर रैंडमली थ्रोन किया गया है तो इसका मतलब है कि डाई भी फ्री है, कि या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 या 6। डाई का जो केस होता है कि डाई वही डाई की जो आप यूज करते हैं स्नेक एंड लैडर यानी सांप सीढ़ी और लूडो के गेम में, तो उसमें कितने आउटकम्स हो सकते हैं अगर एक डाई है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, 6। अब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, कि 1 कितने केस में है, 1, और पॉसिबल ऑल पॉसिबल आउटकम्स 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितना होगा, 1/6। अब क्वेश्चन में हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, अब इवन नंबर कितने केसेस में है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3, ऑल पॉसिबल आउटकम 6, तो 3/6 यानी 1/2। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर कितने में आ सकता है, 1, 3, 5, तो कितने फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 3, तो 3/6 यानी 1/2। टू डाइज थ्रोन रेंडमली, तो उसमें केस कितने होंगे, ये होंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 36। अब इसमें क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट्स, एग्जांपल के तौर। अब डबलेट्स का क्या मतलब है कि दोनों में सेम नंबर, तो वो कितने केस में, 6 केसेस में, तो नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग डबलेट्स कितना हुआ, 6, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 36, तो 6/36 यानी 1/6। तो डाइस के केस में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स किस पर डिपेंड करते हैं, 6 की पावर n, कि 1 डाइस थ्रोन 6 की पावर 1, तो कितने केस होंगे, 6। इफ 2 डाइस थ्रोन 6 की पावर 2, 36। इफ 3 डाइज थ्रोन 6 की पावर 3, 216। और कॉइन के केस में डिपेंड करता है 2 की पावर n पर, कि इफ 1 कॉइन इज टॉस देन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 2 की पावर n 1 यानी कि 2। इफ 2 कॉइन टॉस 2 की पावर 2 4। इफ 3 कॉइन टॉस 2 की पावर 3 8। अब प्रोबेबिलिटी में एक और इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो है कार्ड्स का। कार्ड्स अगर हिंदी में बोले तो ताश। अब कार्ड्स में क्या होता है कि कार्ड्स में 4 सूट्स होते हैं,
और हर सूट में कितने कार्ड होते हैं? 13, तो नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स होंगे 52, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कार्ड्स के केस में कितने होंगे? 52। अब क्वेश्चन में है क्वेश्चन, और कार्ड्स के सूट्स कौन से होते हैं? 4 स्पेड्स, डायमंड्स, क्लब और हार्ट। लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में इनको क्या बोलें, लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इनको? स्पेड्स को बोलते हैं हुक्म, डायमंड को बोलते हैं ईंट, क्लब को बोलते हैं चिड़ी और हार्ट को बोलते हैं पाम। और कार्ड कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला कार्ड होता है ए, ए यानी एस, हिंदी में बोले तो इक्का। फिर उसके बाद 10 तक काउंटिंग के होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद 11, 12, 13 की जगह क्या होता है? 11 की जगह जे यानी जैक, हिंदी में बोले तो गुलाम। 12 की जगह क्यू यानी कि क्वीन यानी बेगम। और 13 की जगह के यानी कि किंग, बादशाह हिंदी में बोले तो। अब 11, 12 और 13 यानी जे, क्यू और के यानी कि जैक, क्वीन और किंग कार्ड को क्या बोलते हैं? इन कार्ड को बोलते हैं फेस कार्ड, क्योंकि कार्ड्स में सिर्फ इन्हीं तीन कार्ड्स पर आपको फेस मिलेगा। अब इसमें, अब जो ये स्पेड और क्लब होते हैं, ये होते हैं ब्लैक कलर के, और डायमंड और हार्ट होते हैं रेड कलर के। और इसमें कार्ड से संबंधित क्या क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड? और फेस कार्ड कितने होंगे? फेस कार्ड होंगे एक कलर में, एक सूट में होंगे 3, तो चारों सूट्स में कितने होंगे? 12, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 12, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 52, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड क्या हुई? 3/13। या फिर क्वेश्चन में आया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक फेस कार्ड, तो ब्लैक फेस कार्ड यानी स्पेड और क्लब के फेस कार्ड को कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो कितने होंगे? वो होंगे 12 की जगह 6, क्योंकि 3 स्पेड्स में और 3 क्लब में, तो 6/52 यानी 3/26, ये हुई प्रोबेबिलिटी। या फिर आएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, अब एस चारों कार्ड में कितने होंगे? एक सूट में हो, एक सूट में होगा एक एस यानी एक इक्का, और चारों में कितने होंगे? 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कार्ड 4/52 यानी 1/30। अब ये आपको देखना है कि क्वेश्चन में कहीं आपसे ये पूछा हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक एस कार्ड, तो ब्लैक एस कार्ड कितने होते हैं? 2 ब्लैक कलर के होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/50। यही 3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में, आप जिनके बेस पर आप क्वेश्चंस करेंगे, कि एक तो पहला टॉपिक है कॉइन का, फिर डाई का, और तीसरा कार्ड्स का। तो यहाँ पर ये क्लास फिनिश हो जाती है। उम्मीद है कि ये क्लास आपके समझ में आई होगी, और अगर ये क्लास आपके समझ में आई है तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस क्लास को लाइक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1 के एग्जांपल्स, जो कि बेस हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।